नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ये कहाँ आ गए हैं हम लोग, ये किस तरह का भारत है? ये वो भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भारत की स्थिति यह है कि एक एक निवाले के लिए लोग तरस रहे हैं। बहुत ही दुखद पहलू है, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। बहुत जरूरी है लॉकडाउन बढ़ाना अगर कोरोना से बचना है तो, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने लोगों को जिंदा रखना भी एक चुनौती है। जिस तरह से लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, लोगों के घरों में अन्न नहीं है, दाना नहीं है, लोग इस समय वो काम करने पे मजबूर है जो एक मानव जाति सोच भी नहीं सकती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं आगे, उसमें आप देखें कि क्या हम इस कदर बेबस मजबूर हैं, क्या हम सही में मानव कहलाने के लायक हैं, इंसानियत क्या हमारे अंदर जिंदा है। अगर कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे अंदर होती तो ये व्यक्ति जो वीडियो में है ये ऐसी चीजें ना कर रहा होता। ये पूरे मानव जाति के लिए शर्मनाक है, ये पूरे समाज के लिए भयंकर संकेत है। जिस तरह से ये व्यक्ति इस वीडियो में जो चीजें कर रहा है उसे कहीं ना कहीं हर उस इंसान की जो सर है वो झुक जाएगा। बहुत ही भयंकर और बहुत ही दुखद ये भारत की तस्वीर है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। हम आज भी हिंदू मुसलमान में लड़े पड़े हैं, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीरें हैं, ये भारत की असलियत है। मैं हमेशा से इसी चीज के लिए चिल्लाता रहा हूं, संघर्ष करता रहा हूं, लेकिन हमेशा मुझे गलत कहा गया है। करोड़ों रुपए सरकार को जा रहे हैं, दान पे दान दिया जा रहा है, पीएम केयर्स में करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन उसके बदले क्या होता है? अमीरों के जो कर्जे थे उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। मैं हमेशा इस तरह के व्यक्तियों के लिए चिल्लाता रहा हूं, लेकिन मुझे ही गलत साबित किया जाता है। आप देखें ये वीडियो में, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। क्या आप सोच सकते हैं कोई भी इंसान ये चीज करेगा? आज ये आदमी मिट्टी खाने पे मजबूर है, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए इसके निवाले नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है हमारे करोड़ों की सरकार? कहाँ है हमारा विकास? कहाँ है वो लोग जो अन्नदाता बन के घूम रहे हैं? बहुत ही भयंकर तस्वीर, और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक उदाहरण है पूरे देश के अंदर जो आज की परिस्थिति है। पूरा भारत में लगभग एक बड़ी आबादी भूखमरी से लड़ रही है। कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिए, आत्महत्याएं हो गई क्योंकि घर पे निवाले नहीं थे। बहुत सी खबरें हम लोग रोज सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये इंसानियत हमारी मर रही है और वो मजबूर किया है इस कोरोना ने। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, इस लड़ाई से लड़ना जीतना बहुत जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो हम आगे भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आसपास ये नजर रखें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी पेट भूखा ना रहे। वो भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी अपने लोग हैं, अपने भारतीय लोग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाएं वापस ना हो, उसकी आप जिम्मेदारी लें। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो एक विश्व की छवि है उसे धूमिल करती हुई तस्वीर है, एक शर्मनाक तस्वीर है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसे दबाने के लिए, लोगों को उसका असर ना हो इसके लिए पासेस दिए जा रहे हैं, लोग अपने गांव चले जाएं। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं, गुजरात से जितने भी मजदूर भाई हैं उनको पासेस दिया जा रहा है कि आप लोग व्यवस्था करके अपनी तरफ से जाएं, गांव चले जाएं। लेकिन क्या वाकई में ये पासेस काम कर रही हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये दोनों राज्य अपने लोगों को अपने राज्यों की सीमा में आने ही नहीं दे रहे हैं। गुजरात की एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें कि कुछ कारीगर कैसे कैसे करके एक गाड़ी करके विद परमिशन, उनके पास प्रॉपर पास होके भी वो गुजरात सूरत से निकलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनको ले नहीं रही है। आखिर ये पासेस का क्या मतलब है? आप ये वीडियो देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
देखिए हमको सूरत जिला से यहाँ का SDO पास दिया था, कैंप लगा है सहन गांव में, हमारे पास पास है। इस पास में कितने हमारे आदमी हैं? इसमें 48 आदमी का पास बना हुआ है। देखिए ये पूरा साफ साफ लिखा हुआ है SDM के हाथ से, देखिए उसका साइन भी है, मोहर है। देखिए ये इसमें हम लोग कितने आदमी हैं टोटल, बच्चे लेडीज लेके टोटल 48 आदमी हैं, जो कि गुजरात सरकार हम लोगों को दाहोद बॉर्डर से रिटर्न कर दी 24 घंटा बिना दाना पानी के हम लोग है। जबकि जौनपुर SDO से हमारी बात हुई, जौनपुर CMO से बात हुई हमारी, फिर भी जौनपुर CMO और SDO कोई मानने के लिए हमारी बात तैयार नहीं है। कह रहे हैं वहाँ से रिटर्न चले जाओ। हमने बोला कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री पैसा नहीं देती है, फिर भी हम लोग क्या करें, बहुत मजबूर हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसमें लेडीज हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, 24 घंटा हो गया। ये कल शाम को 5 बजे का पास मिला हुआ है हम लोगों को, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 48 आदमी टोटल हैं और ये आइसर किया गया है, ये गाड़ी है हमारी एकदम, देखो खुली गाड़ी। हम इतने मजबूर हैं, पैसा नहीं है कि हम लोग कोई फर्स्ट क्लास गाड़ी करके जाए, बस ये सब ऐसी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है। फिर भी गुजरात सरकार परमिशन दी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये बहुत निकम्मी सरकार है, ये किसी की नहीं सुन रही है। देखिए ये गरीब मजदूर बेचारे दिहाड़ी पे काम करने वाले, 40 दिन हो गई फैक्ट्री बंद हुए, तब हम लोग निकले, जब खाने का घर में पैसा नहीं रह गया, पैसा जितना था उसमें एक गाड़ी का हम लोग 67,000 रुपये गाड़ी किए थे टोटल। उसके बाद SDO बोलता है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो गाड़ी कहाँ से की हो, जौनपुर उत्तर प्रदेश का SDO बोल रहा है। इसमें हमारी पास रिकॉर्डिंग है, मैं बड़े दिन सरोज के साथ, देखिए ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार है। इसको जितना से जितना हो सके शेयर करो, उत्तर प्रदेश सरकार को सबक सिखाओ। जिस तरह से सरकार केवल छलावा कर रही है, केवल झूठ बोल रही है, लोगों को एक झूठी तसल्ली दे रही है कि आपको पास दिया जा रहा है, आप गांव चले जाएं, लेकिन हकीकत ये वीडियो में था। इनके पास होते हुए वैध तरीके से ये जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकारें ले नहीं रही हैं अपने राज्य की सीमा में। क्या प्रॉब्लम है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो जाना चाहते हैं उनको परमिशन दी जाए, पास दी जाए, वो अपने गांव अपने प्रदेश लौट सकें। उसके बावजूद भी उनके केंद्र सरकार के जो आदेश है उसकी अनदेखी कर रही है, उनकी खुद की पार्टी के लोग, उनकी खुद की पार्टी की सरकार कर रही है। लोगों से कहा मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई, लेकिन ट्रेनों के पैसे लिए जा रहे हैं और इतने सारे पैसे, इतने सारे अनुदान, इतने करोड़ों रुपये के कारपोरेट बिजनेस हाउसेस के, कंपनियों के, बड़े बड़े जो बैंक लोन लेके भाग चुके हैं, ऐसे लोगों के लोन माफ किए जा रहे हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कैसे कैसे करके वो गाड़ी भाड़ा इंतजाम करते हैं, पासेज लेते हैं, आज के तारीख में मेडिकल का जो सर्टिफिकेट जरूरी है उसके लिए 200 से लेके 500 1000 रुपए तक लोग ब्लैक में ले रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी क्योंकि कमाई का सीजन है ये उनके लिए। आप इतनी भयंकर परिस्थिति में भी अगर पैसे या व्यापारी दिमाग से आप सोच रहे हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो देश में हो रहा है, जो असलियत है, वो आप सभी तक को पता चले। मैं हमेशा से इस चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाता रहा, लेकिन हमेशा मुझे गलत साबित किया गया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जब तक इन मजदूरों के, इन मजबूर लोगों को जिनको निवाला नहीं मिल रहा है, इनकी आवाज़ उठाता रहूंगा, ताकि इनको कहीं ना कहीं से वो मदद मिल सके, सरकार शायद जाग जाए, ये चीज़ें मैं करता रहूँगा। और एक मजबूर, एक बोलते हैं कमज़ोर तबके को उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रहूँगा। और निवेदन करता हूँ कि कोई भी आपके आसपास हो, वो भूखा ना सोए, उसकी आप जिम्मेदारी लें। यही हमारा इंसानियत है, यही हमारी भारतीयता है। हिंदू मुसलमान हम आगे भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम इस समय जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, हमें एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। कृपया ध्यान रखें। जय हिंद।